वहीं विदिशा रेस्क्यू ऑपरेशन पर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। लोकेश को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी रहा, 2 घंटे में टनल बनाने का काम भी पूरा होगा ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये बयान थोड़ी देर पहले का सामने आया, हालांकि आपको बता दें कि ये जो बयान है वो आया और उसके बाद युद्ध स्तर पर काम चलता रहा। विदिशा के आनंदपुर में जो बच्चा गिर गया था, वहाँ लगातार दोनों टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। 51 फुट की खुदाई का काम पूरा हो गया है, टनल बनना है अभी, जिसको SDRF की टीम बना रही है। 5 फुट कुछ की टनल बनना है, 3 फुट कुछ खुदाई हो गई है। लगभग 2 घंटे में मैं समझता हूँ कि टनल का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत कड़ी जगह है, हार्ड स्टट है, तो उसके कारण से खुदाई में दिक्कत आ रही है। पूरी सावधानी के साथ पूरा प्रशासन वहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ 2 घंटे में ये काम पूरा हो जाए। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब से थोड़ी देर में ही बच्चा जो है वो बाहर आ जाएगा। ये वही मासूम बच्चा है जो इस खुले बोरवेल में गिर गया था और लापरवाही का शिकार हुआ है। लोगों की लापरवाही का शिकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक मासूम हो जाता है, और ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार ऐसी लापरवाहियां कब तक बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें बच्चे अपनी जान खो चुके हैं, उनकी जान चली गई है। जल्द बाहर आ सकता है लोकेश, अब यही कामना जो है वो की जा रही है, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट समय तो नहीं बताया गया है, क्योंकि लगातार युद्ध स्तर पर उसको बचाने का काम चलता रहा। कल से ही हमने देखा जब लगातार काम जारी रहा और पोकलेन मशीनों की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई थी, 6 मशीनें लगाई गईं, 6 मशीनें काम करती रहीं, खुदाई करती रहीं, और 50 से 55 फीट का गहरा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद टनल बनाने का काम भी शुरू हुआ। लगभग अब काम पूरा हो चुका है और बस इंतज़ार है कि लोकेश बाहर आ जाएगा। तो ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस बोरवेल में वो गिरा उसी के समानांतर एक और गड्ढा खोदा गया और उसके बाद सुरंग बनाई गई और उस सुरंग के माध्यम से लोकेश तक पहुंचा जाएगा और उसके बाद उसको बाहर निकाला जाएगा। तो जल्द ही बोरवेल से लोकेश बाहर आ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कल से ही चल रहा था वो लगभग पूरा हो गया है। हालांकि ये बच्चा गड्ढे के अंदर सकुशल है, ये गनीमत है कि बच्चा फिलहाल सकुशल है और उसे संपर्क करने की कई बार कोशिश भी की गई है और बच्ची के मूवमेंट पर नज़र भी रखी जा रही है। नाइट विजन कैमरे के माध्यम से बच्चे के मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। फिलहाल बच्चा अंदर बोरवेल के अंदर सुरक्षित बताया जा रहा है, सकुशल बताया जा रहा है। हालांकि जैसे ही वो बाहर आएगा उसे फौरन अस्पताल भेज दिया जाएगा। लोकेश के परिजनों को एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है, यानी कि एम्बुलेंस रेडी है और बस इंतज़ार हो रहा है तो लोकेश के बाहर आने का। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, परिजनों को एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है, थोड़ा सा ही और इंतज़ार करना होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि लोकेश बाहर आ गया है। तो परिजनों को एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है, एम्बुलेंस रेडी है, बस लोकेश के बाहर आने का इंतज़ार है, उसके बाद उसको एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल में भिजवा दिया जाएगा। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चलता रहा, और ये देखिए ये NDRF SDRF की जो टीमें हैं वो लगातार कल से ही रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं, खुदाई के काम में जुटी हुई हैं और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक भी हमने देखे जो वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने हालातों का जायज़ा लिया। हालांकि पूरी रात परिजन इस इंतज़ार में बैठे रहे कि आखिरकार उनका बच्चा कब बाहर आएगा, दुआओं का दौर भी शुरू हो गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि चूँकि इससे पहले जो घटना हुई निवाड़ी में, जो घटना हुई जिसमें जान चली गई थी बच्चे की, जो बोरवेल में गिरा था वो भी इसी तरीके के लापरवाही का शिकार हुआ था, लेकिन
इस तरीके की लापरवाहियां बार बार होती रही हैं, लेकिन उससे सबक नहीं लिया जाता है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरीके की लापरवाहियों को लेकर कड़े निर्देश भी देते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई संज्ञान, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ना ही किसी तरीके का यहाँ पर अमल किया जाता है बातों पर। और उसके बाद ऐसे ही बच्चे मासूम जो हैं वो बोरवेल में गिर जाते हैं। और ये देखिए विदिशा से खबर जो है वो सामने है, लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बोरवेल से बाहर निकाला गया है लोकेश, तो ये बड़ी खबर। जहां बोरवेल वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया, जब बच्चा अब सकुशल बाहर आ गया है, बोरवेल से लोकेश बाहर निकाल लिया गया है, लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से ही आपको बता दी कि नज़र हम बना कर रखे हुए थे कि आखिरकार कब बच्चा बाहर निकल कर आएगा, और अब वो समय आ गया है जब लोकेश बाहर निकल आया है, लोकेश का सफल रेस्क्यू अभियान हो गया है, सफल हुआ है यह अभियान। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बच्चा सकुशल बाहर निकल आया है, बच्चे को क्या एम्बुलेंस में उठा दिया गया है? तो लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये ऑपरेशन जो है, ये रेस्क्यू अभियान जो है, कल से ही जारी था। कल बच्चा गिर गया था, तकरीबन 9:30 बजे की घटना जब हुई थी, जब खेत पर बच्चा गया हुआ था और उसी दौरान खुले बोरवेल में वो गिर गया था, और उसके बाद से ही रेस्क्यू अभियान चलता रहा। NDRF SDRF की टीमें भी लगातार इस मशक्क़त में जुटी रहीं और इस अभियान में जुटी रहीं कि बच्चे को बाहर निकाला है, और अब वो घड़ी आ गई है कि सभी लोग सफल हो गए हैं और उसके बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है, बोरवेल से लोकेश बाहर आ गया है, लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लेकिन इस हादसे से सबक लेने वाली बात है कि बच्चा तो सकुशल बाहर आ गया है, लेकिन इस तरीके के उम्मीद यही की जा रही है कि हादसे अब दोबारा से ना दोहराए जाएँ, ना ही ऐसे हादसे दोबारा हों, क्योंकि ये लापरवाहियाँ होती हैं जब बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, और कई बार ऐसी लापरवाहियाँ भारी भी पड़ जाती हैं जब बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन गनीमत ये रही है कि लोकेश इसमें गिरा और 8 साल का ये मासूम बच्चा इस बोरवेल में गिरा, लोकेश लेकिन सुरक्षित बाहर आ गया है, सकुशल वो बाहर आ गया है, उसका अभियान जो रेस्क्यू अभियान जो चलता रहा वो सफल हुआ है। तो देखिए ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है, बोरवेल से लोकेश बाहर निकाला गया। तो परिजनों के लिए भी, ग्रामीणों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की खबर है, खुशी की बात है, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे थे, दुआओं का दौर जारी था और सभी की दुआएं रंग लाई हैं और प्रार्थनाएं जो की गई थी, सभी की प्रार्थना भगवान ने सुनी और उसके बाद यहाँ पर लोकेश सुरक्षित बाहर बोरवेल से निकाला गया, लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है। तो लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ, बोरवेल से लोकेश बाहर निकाला गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस हादसे के बाद किसी तरीके का सबक लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के हादसे तमाम होते रहे हैं मध्य प्रदेश में, तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो ऐसे ही खुले बोरवेल में गिर जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इससे पहले जो घटना हुई थी, निवाड़ी में जो घटना हुई थी, उस पर उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे कि इस तरीके के अगर बोरवेल रखे जाते हैं तो कार्रवाई होगी, और साथ ही जिस की ज़मीन पर ही ऐसे बोरवेल होंगे और उसके बाद उनको ढककर नहीं रखा जाएगा, और अगर कोई हादसा होता है तो जमीन का जो मालिक है वो जिम्मेदार होगा और साथ ही उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि जिस बोरवेल में ये गिरा था बच्चा और जिसका ये खेत था, क्या उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, चूंकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई, लेकिन गनीमत ही रही कि बच्चे का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है, बोरवेल से सुरक्षित वो बाहर निकाला गया है, लोकेश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है बोरवेल से। तो लोकेश का रेस्क्यू अभियान सफल हुआ, बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र